ये जिंदगी हंसने और मुस्कुराने के लिए मिली है, ना कि रोने और दुखी होने के लिए मिली है। ये जीवन तो एक उत्सव है, ये जीवन तो आनंद से भरा हुआ है, पर फिर भी ना जाने क्यों लोग सारी जिंदगी खुशियों को तलाशते रह जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं, पर फिर भी वो खुश नहीं हो पाते। आप जिंदगी में खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका जिंदगी के लिए नजरिया कैसा है। ये 10 बातें हैं, 10 आदतें हैं, जो भी इंसान ये 10 हैबिट्स, 10 आदतें अपनी जिंदगी में अपना लेगा, वो जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीख जाएगा। सबसे पहली बात, पॉजिटिव माइंड। जिंदगी की हर सिचुएशन में, हर बात में आप कुछ पॉजिटिव देख पाएं, आप कुछ अच्छा देख पाएं, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए जिंदगी में, फिर भी जो इंसान उस परिस्थिति में कुछ अच्छा देख सकता है, उसके लिए वो दुख, वो कठिनाई बहुत छोटी पड़ जाती है। और जो इंसान छोटी सी मुश्किल में भी घबरा जाता है, फिर वो मुश्किल छोटी नहीं रहती, वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जिंदगी के लिए आपका पॉजिटिव माइंड हो। दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड। जिंदगी के लिए शुक्रिया का भाव, कृतज्ञता का भाव, शिकायत का भाव नहीं। जिस इंसान का हृदय जितना शिकायत से भरा रहेगा, वो इंसान उतना दुखी रहेगा, और जिस इंसान का हृदय कृतज्ञता से, धन्यवाद से भरा रहेगा, वो इंसान उतना आनंद में जिएगा। तीसरी बात, लेट थिंग्स गो। जिंदगी में हर बात को पकड़ के बैठना जरूरी नहीं है। कई अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे जिंदगी में, हर किसी के साथ बहस करना जरूरी नहीं है। आप जिंदगी में आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूलना सीखो, और अपनी जिंदगी के बेहतर भविष्य के लिए आप आगे बढ़ जाओ। चौथी बात, लिव इन द प्रेजेंट। कई लोग अपने भविष्य की योजनाओं में इतना डूब जाते हैं और अपने पास्ट से, अपने भूतकाल से इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी के आज को, इस पल को जीना ही भूल जाते हैं। हर इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है कि भविष्य में किसी न किसी दिन मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी। पर आपने कहीं देखा कोई शांत इंसान? लोग शांत शब्द सिर्फ उसी के लिए यूज करते हैं जो मर जाता है। लोग कहते हैं आज फलाना व्यक्ति शांत हो गया, जब तक जिंदा है तब तक कोई नहीं कहता कि ये शांत हो गया। तो यदि आप खुशी पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो उसे इस पल में ढूंढ लो, क्योंकि शांति और खुशी इसी पल में है। और पांचवी बात, ऑलवेज लिसन योर इनर वॉइस। हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो। अधिकतर लोगों को इसलिए दुखी देखा जाता है क्योंकि वो कहते कि हमारी जिंदगी में दुख उस इंसान की वजह से है, दूसरे इंसान की वजह से, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पाते। तो आप दूसरों की सुनना छोड़ दो कि लोग आपके लिए क्या कहते हैं। लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, कुछ ना करो तो भी कहेंगे। तो इससे अच्छा तो आप वो करो जो आप करना चाहते हो। कम से कम आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरी जिंदगी में दुख दूसरे की वजह से है। फिर आप ये गर्व से कह सकोगे कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और छठी बात, हमेशा जीतने पे ध्यान दो। कभी भी हारने के बारे में सोचो ही मत, कभी भी असफलता के बारे में सोचो ही मत, कभी भी नाकामयाबी के बारे में सोचो ही मत। हमेशा मन में विश्वास रखो कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, कि आप जरूर जीतोगे, कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। सातवीं बात, सेल्फ फॉरगिवनेस। आप खुद को माफ करना सीखें, खुद को भी माफ करना सीखें, औरों को भी माफ करना सीखें। गलती हर इंसान से होती है। अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गलत भी होगा। तो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, खुद को दोषी ठहराना छोड़ दें। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भीतर से खुश हो ही नहीं सकते। आपको वही गिल्ट खाता रहेगा, आपको वही ग्लानी खाती रहेगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, जो भी हुआ खुद को माफ कर दो। जो भी आपसे गलतियां हुई है या जो औरों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें माफ करो। आप उन्हें माफ करोगे, आपके दिल में अपने आप शांति आ जाएगी, क्योंकि नफरत एक ऐसा भाव है, आपके दिल का चैन सुकून सब कुछ छीन लेगा। तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो माफ करना सीखो। आठवीं बात, सराउंड योरसेल्फ विद हैप्पी पीपल। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हों, जो लाइफ को जीते हों, जिनके साथ बैठते ही ऐसा लगे कि बस गम में डूब गए हैं। तो ऐसे लोगों से
आप दूर रहें, उन्हीं लोगों के साथ आप अपना ज्यादा समय गुजारें जो जिंदगी को जीना जानते हों। और नवी बात, आप हंसना मुस्कुराना सीखें। हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा कैसे बिना किसी बात के मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। आजकल तो लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। कहते हैं जब तक कोई जोक न सुन ले तब तक हंसी ही नहीं आती। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो किसी जोक पे भी हंसी नहीं आती, हंसना ही भूल गए। आप ये मत समझना कि खुशी या हंसी किसी दुकान पे मिलेगी आपको, वो आपके भीतर है। आप उसे बाहर निकालें। आपके भीतर जो बच्चा छुपा बैठा है उसको जीने दें। जिंदगी की चिंताओं को लेकर के आपने अपने अंदर की खुशी को मार दिया है, तो हल्के फुल्के रहना सीखें, खुश रहना सीखें। और दसवीं बात, आप डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करें। हमने ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए पहले भी कुछ विषयों में कहा है। कई लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करें। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, पर एक बहुत सरल टेक्निक है। आप एक आसन में बैठ के आंखें बंद करके गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांसें छोड़िए। पर ईमानदारी से ये क्रिया पूरे 5 मिनट करिए, और 5 मिनट श्वासों की क्रिया के बाद आप 5 मिनट के लिए अपने मुख से ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। आप जिस भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसके नाम की ध्वनि का उच्चारण करें, क्योंकि ईश्वर के सभी नाम दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं और कोई नाम किसी नाम से कम नहीं है, जिसमें भी आप मानते हो। और यदि आप किसी नाम को नहीं मानते तो आप श्वासों की क्रिया को कीजिए, और यदि आप ईश्वर में मानते हैं तो जो भी ईश्वर का नाम आपको अच्छा लगता हो और आप उसकी भी 5 मिनट के लिए ध्वनि कीजिए। आप उसको भी 5 मिनट के लिए रिपीट कीजिए। 5 मिनट श्वासों की प्रक्रिया और 5 मिनट ओम की ध्वनि करनी है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके, और चेक कीजिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी क्या डिजायर्स हैं। महसूस कीजिए खुद के अस्तित्व को, खुद की इच्छाओं को, खुद के दर्द को, खुद की तकलीफों को, कि आपके भीतर कहां कहां क्या क्या समस्याएं हैं, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। तो ये 15 मिनट का अभ्यास यदि आप नियमित करते हैं, रोज करते हैं, तो इससे आपकी चेतना का विकास होता है, इससे आपकी कॉन्शियस पावर बढ़ती है, जिससे आप जिंदगी को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ पाते हैं, और आप पे लोगों की बातें कम इफेक्ट करने लगती हैं। सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास आपको आत्मा की शक्ति प्रदान करता है, आपको चेतना की शक्ति प्रदान करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जिंदगी के एक एक पल को खुशी से जिए, तो इन 10 आदतों को कभी मत छोड़ना।